क्या होगा रोमन को भिड़ा देंगे दो भारी भरकम शरीर वालों से? क्या रोमन रोता हुआ चेहरा लेके रिंग से वापस जाएंगे? क्या रोमन के दहाड़ते हुए स्पीयर्स और फाइटिंग सुपरमैन पंचेस वो दोनों भारी भरकम शरीर वालों को वहां से भगा देंगे? भाई सवाल बहुत है लेकिन जवाब एक ही है, क्या हमारे पास है आज 2-on-1 हैंडीकैप मैच? क्योंकि एक तरफ रोमन है जिनको WWE का सब कुछ कहा जा रहा है बादशाह, और एक तरफ है हमारे दो सुपर हैवीवेट यानी मोटे तागे तंदुरुस्त, इतने मोटे कि भाई साहब उनके आगे आप लोग कुछ भी नहीं हो, चूहे बराबर। तो भाई साहब एक तो उसमें से हमारा उमागा भाई है, उमागा तो आप जानते होंगे, आप इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन वो रोमन रेंस के कजन माने जाते हैं। तो भाई साहब ये हैंडीकैप मैच बहुत जबरदस्त होने वाला है, लेट्स गो टू द हैंडीकैप मैच अगेंस्ट रोमन रेंस वर्सेस ओटिस एंड उमागा। तो भाई अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो तो लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। चलो चलते फिर से एक बेहतरीन गेम प्ले की तरफ। यहाँ पे ओटिस शुरुआत कर रहे हैं रोमन रेंस के अगेंस्ट, और रोमन रेंस अभी सुपरमैन पंच कैंसिल आउट। भाई साहब इतनी जल्दी भी क्या है रोमन रेंस को सुपरमैन पंचेस लगाने की? खैर एक तो इनका फिनिशर ऑलरेडी खा लिया है ओटिस ने मारे, और ओटिस भाई साहब पूरी ताकत का नमूना दिखा रहा है। देख रहे भाई साहब रोमन को टांग के इस तरह कौन मारता है यार। शायद अभी हाल में ट्रिपल एच ने इनकी बैंड बजाई थी रोमन रेंस की, लेकिन अब इस तरह से जो बैंड बजा रहे भाई साहब गजब है। उमागा को एंट्री मार दी है, कजन उमागा वर्सेस रोमन रेंस, सोलो स्पाइक। अरे भाई साहब समोन स्पाइक लगा दी, मुझे सोलो सिकोवा की याद है क्योंकि वो भी ऐसे ही स्पाइक मारता है, लेकिन काउंट आउट नहीं हुआ रोमन रेंस बाद में। मुझे तो लगा रोमन सबमिट कर देंगे लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है। वैसे तो सबके पास रेजिलियंसी भी है यहाँ पे, तो इतनी आसानी से मैच खत्म होने वाला नहीं है क्योंकि अभी रोमन जो है बहुत ज्यादा पीटे जा रहे हैं, और हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि रोता हुआ चेहरा लेकर रोमन भाग जाएंगे इस WWE रिंग से। खैर अगर आप रोमन के फैन हो तो आप लोग हर्ट मत होना, मुझे नहीं लगता कि रोमन इतनी जल्दी हार मानेंगे। रोमन भी बहुत बादशाह आदमी है यार, अगेंस्ट दो भारी भरकम शरीर यानी सुपर हैवीवेट, फिर भी हमारे पास रोमन है भाई साहब, रोमन सब कुछ है अभी WWE का। और यहाँ रोमन बकैती करने नीचे गया और चेयर लेके आ गया है भाई साहब, नीचे से चेयर। अब इस चेयर का यूज कर पाएंगे कि नहीं वो तो, अरे ये क्या चेयर लाए किस लिए थे फिर, देखने के लिए? ओ भाई ये क्या है, ओ तेरी, ये क्या कर रहा है रोमन भाई साहब, ये रोमन कर क्या रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा है। और नॉर्मल सबमिशन लगाया है ओटिस के ऊपर, लेकिन इससे कुछ भला नहीं होने वाला है ओटिस का। ओटिस का भला तभी होगा जब रोमन को छू करके दिखाएंगे, यानी कि सुपरमैन पंचेस स्पीयर लगाएंगे, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था, दहाड़ते हुए स्पीयर्स रुलाते हुए सुपरमैन पंचेस, जिससे आदमी का खोपड़ा हिल जाए। अरे वाह क्या झापड़ मार रहा है भाई साहब, ये तो बेइज्जती झापड़ मार रहे हो। ओटिस भाई भी अपने कमाल यार, ओटिस का पेटू मूव देखना है हमको। खैर जल्दी हम लोग ओटिस के साथ एक गेम प्ले करेंगे ताकि हमको उनका पेटू मूव देखना है। अगर आप पेटू मूव के बारे में नहीं जानते हो तो जाके चेकआउट करो, अनडिफीटेड में हमने किया है WWE अनडिफीटेड, शायद अब वो प्ले स्टोर से गायब हो चुका है। आप लोग जो नए लोग हैं उनको पता ही नहीं होगा अनडिफीटेड चीज क्या है। बहुत ही ऑसम गेम था एनवे की तरफ से, लेकिन उसका कबाड़ा कर दिया एनवे ने बहुत बढ़िया तरीके से। फिलहाल अब चेयर का यूज हो गया है, रोमन ने कर दिया चेयर का यूज, बोले लाए हैं तो यूज तो करेंगे ना। और भाई साहब ओटिस उठ के एक जबरदस्त जवाब दिया है, लेकिन अभी ओटिस उल्टी चाल चलेगा शायद, नहीं नहीं मुझे लगा फिनिशर लगाएगा, लेकिन ओटिस फिनिशर क्यों नहीं लगा रहा यार, उमागा के पास तो है भी नहीं। फिर से उमागा ऑन टैग, अब उमागा टैग में है तो क्या ही होगा, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई साहब अपने कजिन के ऊपर इतना बुरा व्यवहार मत करो, कजिन है तुम्हारा, वैसे तो जे उसो के साथ भी इतना ही बुरा व्यवहार चल रहा है इस वक्त रोमन रेंस का, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है रोमन रेंस करना क्या चाहते हैं। ओ टैग, टैग मुझे ओटिस को देना चाहिए क्या रोमन को? नहीं नहीं नहीं, ओ भाई साहब गजब यार क्लोथ लाइन दिए, जंपिंग क्लोथ लाइन। उमागा आप जाओ ओटिस को टैग दे दो, ओटिस को टैग दे दो उमागा, आप नहीं सकोगे मारने। अरे भाई साहब बेइज्जती नहीं सह सकते उमागा अपनी, ओ तेरी, मुझे लगा फिनिशर है। नहीं नहीं नॉर्मल मूव, अगर नॉर्मल मूव इतने जबरदस्त है तो इनका उमागा का फिनिशर तो शायद सोलो सिकोवा, क्या सिकोवा सिकोवा कर रहा हूँ, समोन स्पाइक है, समोन स्पाइक इनका फिनिशर, और सिग्नेचर में शायद ये समोन ड्रॉप देते हैं क्योंकि समोन फैमिली से आते हैं लोग। ओ भाई फिर से चेयर शॉट, लेकिन रोमन रेंस ने कैंसिल बाहर फेंक दिया है, और आप ओटिस उठाए हैं बाहर रोमन को। ओ भाई साहब रिवर्स सुप्लेक्स, आई रिवर्स सुप्लेक्स रोमन रेंस को नीचे, रोमन की बॉडी देखो येल्लो से रेड और खोपड़ा येलो, और वहां पे दोनों की खोपड़ी बस थोड़ा बहुत डैमेज हुई, बाकी कुछ नहीं। मतलब रोमन आप हारने के स्टेज पे जा रहे हो, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे जबरदस्त रिवर्स कम बैक जो भी बोलो आपको करना ही पड़ेगा रोमन रेंस, अगर आप अपने फैंस का दिल दुख नहीं दुखाना नहीं चाहते हो। खैर स्पीयर लगा के अभी हाउलिंग स्पीयर लगाया है, जिसके बाद काउंट आउट शुरू हो गया, 7 काउंट हो गया। अंदर भेजो जल्दी से काउंट आउट करने के लिए। अरे ये क्या किया, उसको रो वहां पे टांग दिया बैरिकेड में, 8 काउंट।
और इधर उमागा के ऊपर स्टंट, उमागा स्टंट, अरे वो बचा भी नहीं सकता अब अपने ओटिस को। ये क्या कर दिया भाई आपने, स्पीयर लगा के, अरे भाई साहब ओटिस काउंट आउट से एलिमिनेट हो गया। गजब चाल दिमाग लगाया भाई साहब रोमन रेंस, जान रहा है कि हैंडीकैप मैच है इसीलिए इस तरह का दिमाग भिड़ाया उसने कि मतलब काउंट आउट तो मतलब जानता था कि मुझे ये पिन करने नहीं देगा रिंग में उमागा, इसीलिए इसको सीधे काउंट आउट से एलिमिनेट करता हूं। तो उसने उठाया स्पीयर लगा के उसको बैरिकेड में टांग दिया। अभी उमागा के ऊपर बुरे तरीके से हावी है रोमन रेंस हमारा। खैर रोमन ने अपने फैंस का दिल दुखने नहीं दिया और जैसा कि हम लोग चाह रहे थे वैसे इन्होंने रिवर्स कमबैक मारा है। अब क्या उमागा से ये भिड़ पाएंगे अच्छी तरीके से, ये देखने वाली बात है, क्योंकि उमागा अगर अपना समोअन स्पाइक लगा दिए तो भाई साहब उधर ही मैच खत्म हो जाएगा। वैसे तो रोमन रेंस के पास अभी सब वो है रेजिलियंसी, लेकिन नॉकआउट भी तो हो सकते हैं ना रोमन, क्योंकि ऑलरेडी एक मूव खा चुके हैं। ओ भाई मुझे लगा था ये सिग्नेचर लगने जा रहा है, ओटिस भाई तो चले गए ऑलरेडी। ओ उमागा भाई आराम से उमागा भाई, ओ तेरी गजब सिग्नेचर मूव लगा दिया, समोवन ड्रॉप लगा दिया, 1 2 एंड बच गए, कवर नहीं हुआ। रेजिलियंसी भी नहीं गई, इसका मतलब रोमन के अंदर अभी काफी ताकत बाकी है। ये समोवन स्पाइक तो नहीं है, नहीं मुझे लगा था समोवन स्पाइक, लेकिन रिवर्स कर दिया भाई साहब रोमन रेंस ने, रिवर्स कर दिया। रोमन के पास दो दो मूव है, सुपरमैन पंच स्पीयर दोनों दे सकते हैं। स्पीयर की तैयारी भाई साहब, स्पीयर की तैयारी पूरी तरीके से। अरे भाई साहब क्यों उमागा ने क्यों कैंसिल आउट किया स्पीयर, अगर नहीं करता तो शायद एलिमिनेट हो जाता और हमारा रोमन दादू जीत जाता यहाँ पे, लेकिन रोमन को जीतने नहीं देना चाहता इतना आसानी से। अरे रोमन, अरे नहीं ये क्या गजब कर दिया रोमन तुमने, लो ब्लो लगा दिया अपने भाई को उमागा को उसका। खैर अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर होता तो उसका वंश खतरे में पड़ जाता। खैर फिलहाल अभी रोमन रेंस अब सुपरमैन पंचेस और स्पीयर की तैयारी में है, क्योंकि कॉर्नर में कॉर्नर भेजे जा रहे सुपरमैन पंच और ये एलिमिनेट होने वाले हैं उमागा भाई हमारे स्पीयर। अरे नहीं हुआ, क्यों एलिमिनेट नहीं हुआ, कवर 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड अरे भाई रेजिलियंसी का यूज कर लिया उमागा ने, शिट। लेकिन अब अगर एक और सुपरमैन पंच स्पीयर पड़ गया तो काम खत्म, 100% बोल रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, आप लिख के रख लो कहीं भी, काम खत्म ही हो जाएगा। ओ भाई वो अंदर आ रहा है, तुम बाहर ही समो वो लगा रहे हो जंपिंग क्लोज लाइन, लेकिन रोमन रेंस को पता नहीं हो क्या रहा। और ये मुझे लगा कुछ लगने वाला लेकिन नहीं लगा, डीडीटी को रिवर्स कर दिया रोमन की, डीडीटी को रिवर्स कर दिया उमागा ने। खैर काफी तगड़ा मैच चल रहा है, पूरा वेस्ट काउंट आउट, बाहर से अंदर आ चुके हैं और ये रोमन को समोन स्पाइक लग गई भाई साहब, रोमन रेंस एलिमिनेटेड, खत्म। उमागा और ओटिस ने आखिरकार वो कर दिखाया जो मैंने नहीं सोचा था, यानी रोता हुआ चेहरा लेकर रोमन रेंस वापस जा रहे हैं रिंग से। हमारे विनर आज के उमागा एंड ओटिस। तो आई होप हमें आप लोगों के गेम प्ले पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल फर्स्ट टाइम है प्लीज यार सपोर्ट दिखाना, अपने भाई को सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय, कीप स्माइलिंग, बी सेफ।